हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक सोल्यूशन एंड टेक्निकल यूज़ में। तो गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन्फिनिक्स S5 Pro के बारे में, जिसमें जो भी हाल ही में लॉन्च होने वाला है 6 मार्च को, अगले महीने में यानी कि अगले मंथ में लॉन्च होगा। जो इन्फिनिक्स के ऊपर लगभग एक महीने से इसका टीज़र डाले जा रहा है, हैशटैग पॉप आउट करके बहुत सारे ऐसे कुछ टीज़र डाल रहा है इन्फिनिक्स। हम उसको आप कुछ बताएंगे इसके लीक और रूमर्स। जो इसका लीक अभी निकला है बहुत ही अच्छा लीक है, जो आपको दिखाएंगे हम उसको बताएंगे भी फ़ोन कैसा दिखने में है और इस फोन में पीछे कितना कैमरा, सामने कितना कैसा कैमरा है, आपको ये सब डिटेल देंगे। और गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए तो, और हम इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे एक रियलमी 5i का गिव अवे चल रहा है गाइस, तो उससे वो वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो गाइस, वो वीडियो को ज़रूर देखिए, वो हमने फ़ोन अपने पैसे से खरीदा है, तो गाइस उसको ज़रूर देखिए और हम उसका विनर बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। तो गाइस, ये हम अपने स्मार्टफोन की तरफ आ चुके हैं, अभी हम थोड़ी देर में चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ उसके कुछ फीचर के बारे में। हाँ गाइस, चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने का हम अपने डायरेक्ट लिंक में जाते हैं, उस वेबसाइट के लिंक में जो वेबसाइट हमें बता रही है। तो हम उस वेबसाइट के लिंक में आ चुके हैं, ये वेबसाइट पेज खुल रहा है, हमारा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो गाइस देखिए, ये फ़ोन देखिए आप, इन्फिनिक्स का यही फ़ोन है वो S5 Pro जो लॉन्च होने वाला है इसका। अभी हम आपको जूम करके दिखाएंगे थोड़ी देर में। देखिए गाइस, ये जूम हो रहा है फ़ोन, ये गाइस देखिए एकदम वैसी सेम टू सेम इन्फिनिक्स S5 की तरह और S5 Lite, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें पंच होल नहीं है और पॉपअप कैमरा है। और गाइस, और भी इसमें कुछ चेंजेस है, इसमें प्रोसेसर थोड़ा अलग दिया और इसका कैमरा बहुत अलग है। तो गाइस, अभी इसको हम आपको पीछे दिखाते हैं, इसका पीछे का बॉडी कौन सी दिया है। तो गाइस देखिए, पीछे देखिए सब बोल रहे थे कि क्वाड कैमरा होगा, पर गाइस देखिए आपके सामने इसमें खाली ट्रिपल गियर कैमरा। गाइस देखिए, इसका जो बॉडी है पॉलीकार्बोनेट बॉडी दिया है। तो गाइस, इसमें भी कोई बात नहीं, 10,000 की रेंज में अच्छा फ़ोन रहेगा। और इसमें पॉपअप कैमरा दिया है, इसका जो पीछे का जो कैमरा है 16+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा है, बहुत अच्छा कैमरा दिया इन्होंने। और इसका जो फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा जो होगा वो 32 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। तो गाइस अभी इसको अब आपको दिखाते हैं इसका पॉपअप सेल्फी कैसा दिख रहा है। देखिए गाइस, ये देखिए पॉपअप सेल्फी, देखिए गाइस एकदम प्रीमियम लग रहा है, ऐसा लग ही रहा है कि 10,000 के रेंज का फ़ोन होगा ये। तो गाइस देखिए, इसका पॉपअप सेल्फी 32 मेगापिक्सल का हो सकता है इसका पॉपअप सेल्फी। और इसमें जो सेंसर होगा हो सकता है वो इन्फिनिक्स अपना खुद का दे रहा है सेंसर, क्योंकि इन्फिनिक्स जब से मैं इसका फ़ोन देख रहा हूँ अपना खुद का सेंसर देता है इन्फिनिक्स। हाँ तो गाइस, इसमें जो प्रोसेसर होगा वो एकदम ही अलग होगा, मुझे लग रहा है गारंटेड लग रहा है कि मीडियाटेक का हीलियो P25 देगा, क्योंकि इस बार इन्फिनिक्स खुद का है अपना प्रोसेसर चेंज करेंगे। हाँ तो गाइस, इसका प्रोसेसर जो होगा एकदम अलग प्रोसेसर होगा, मीडियाटेक का हीलियो P25 जो इन्होंने दिया था इन्फिनिक्स हॉट 7 में दिया था, वो सेम प्रोसेसर हो सकता है इसमें भी दे दे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम अपना प्रोसेसर चेंज करेंगे। और गाइस, ये 10,000 की बहुत अच्छा प्रोसेसर होगा और ये रियलमी और शाओमी को कम्पीट करेगा फ़ोन। मुझे लग रहा है फ़ोन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसका जो बॉडी है, जिसका पॉपअप सेल्फी, जिसका हाईलाइट फीचर है, काफ़ी बेहतर लग रहा है फ़ोन, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन्फिनिक्स पर अच्छा काम किया इस बार, इसलिए मुझे लग रहा है फ़ोन क्लियर फ़ोन, एकदम क्लियर फ़ोन होगा। तो गाइस, ये फ़ोन को आप ज़रूर खरीदिएगा, पहले इसका लॉन्च होते लॉन्च में हम देखेंगे कि ये फ़ोन कैसा है, फिर आपको बताएंगे ये फ़ोन कैसा है। तो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अनबॉक्सिंग।